करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत। एक के बाद एक कुसमुंडा में तीन लोगों की मौत से शोक की लहर। कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में महज 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक लगातार तीन मौतों से शोक की लहर है। एक और जहां बीते शुक्रवार की देर रात कुसमुंडा खदान अंदर त्रिपुरा स्टेट राइफल के 40 वर्षीय जवान आजाद सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, वहीं आज सुबह कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श विहार मनगांव रोड में रहने वाले दंपत्ति की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आदर्श विहार मनगांव रोड स्थित सरदारीन चाल के पास रहने वाले महंता दंपत्ति बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि मकान अंदर कपड़े सुखाने वाले तार में करंट प्रभावित था। महिला भारती महंता कपड़े सुखाने तार के पास गई और जैसे ही तार में कपड़ों को डाली वह करंट की चपेट में आ गई, जिसे बचाने पति दुर्योधन महंता पहुंचा, वह भी तार में चिपक गया। इस थोड़ी देर बाद पड़ोसियों ने आवाज़ लगाई जिस पर कोई नहीं निकला घर से बाहर, तो पास में जब घर के अंदर गए उन्होंने देखा कि दोनों के दोनों तार से चिपके हुए थे। उनको समझते देर नहीं लगी कि करंट से चिपके हैं, तो तुरंत जो है खंभे के लाइट को बंद कराया गया, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जांच उपरांत दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक का 10 वर्ष का एक बच्चा भी है और ये मृतक मूलतः उड़ीसा के निवासी हैं। यहाँ महिला जो है सिलाई का काम करती थी, वहीं मृतक आदमी जो है निजी काम को कार्यरत था। इस दुखद हादसे के बाद बहुत ही गमगीन माहौल है कुसमुंडा क्षेत्र का। पुलिस पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंची हुई है, मर्ग पंचनामा कर शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वहीं इनके गृह ग्राम जो उड़ीसा में है वहां भेजने के शवों को तैयारी की जा रही है। कुसमुंडा से ग्राउंड जीरो के लिए सतपाल सिंह के साथ ओम गभेल की खबर। आदर्श नगर निवासी दुर्योधन महंता और उसकी पत्नी भारती महंता करंट लगने से मौत हुई है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस द्वारा मर कायम का जांच की जा रही है। सर, इसमें करंट कैसे, मतलब किस प्रकार की? कपड़ा सुखाने के दौरान पे करंट लगने की बात आ रही है, अभी जांच जारी है, जांच के उपरांत तथ्य स्पष्ट होगा। मृतक सर कहाँ के निवासी थे? यहाँ क्या आदर्श नगर निवासी।